उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सभी 75 जनपदों में 1573 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। मंगलवार को कार्यक्रम में पहुंचे CM ने कहा 2015 और 2016 में ज्यादातर राज्य बीमारू ही रह गए थे, लेकिन यूपी ने उन्नति की है। 6 साल में यूपी बदला है, सक्षम प्रदेश बनाने की ओर हम लगातार अग्रसर हैं। उन्होंने कहा यूपी टीकाकरण में 98% सफलता मिली है। हमारी हेल्थ वर्कर्स की ताकत मैं समझता हूँ। 5 बार गोरखपुर का सांसद रहा हूँ। पूर्वी यूपी में 1,97,778 इंसेफ्लाइटिस का कहर था। करीब 40 सालों में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। अब किसी बच्चे की मौत इंसेफ्लाइटिस से नहीं होती है। उन्होंने कहा गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ के मंडल में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था। वहाँ बिहार के सीमावर्ती व नेपाल से भी लोग आते थे। हम सड़क से संसद तक आवाज़ उठाते थे। आज स्थितियां बदल गई हैं। आज इंसेफ्लाइटिस को हमने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा 2017 से पहले नौकरियों की स्थिति क्या थी आप सभी को पता है। भर्ती आती थी तो चाचा भतीजे वसूली को निकल पड़ते थे। पिछले 1.5 वर्ष में 19वां नियुक्ति पत्र कार्यक्रम है।